Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video at this channel. Myself, Dr. K.C. Sony, Associate Professor in Geology, Varmit Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of Ethology, I am going to deliver my talk on introductory chapter of this uh, subject, दैट इज इथोलॉजी एन इंट्रोडक्शन और एन इंट्रोडक्शन टू एनिमल बिहेवियर प्रिय साथियों और विद्यार्थियों आज एक नई व्याख्यान माला की एक श्रृंखला में चालू करने जा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अंडर ग्रेजुएट पॉस्ट ग्रेजुएट और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये चूंकि मेरा स्पेशलाइजेशन है Uh, मेरा जो पी वर्क है मेरे अंडर में जो स्टूडेंट रिसर्च करते हैं वो एनिमल बिहेवियर पे करते हैं इसलिए इस सब्जेक्ट में <coughs> मेरा थोड़ा एक्सपर्टाइशन भी है और नेचर के साथ मैं रहता हूँ जंगलों में घूमने का मुझे शौक है विभिन्न सेंचुरीज नेशनल पार्क्स में मुझे घूमने का शौक है तो मेरे जो अनुभव है पर्सनल अनुभव है उनको मैं बीच बीच में मैं शेयर करता रहूँगा और एक नई व्याख्यान माला की श्रृंखला आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और इसका पहला चैप्टर है इथोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन एंड आई होप यू लाइक दिस लेक्चर सो टुडे आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक इथोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन सबसे पहले परिचय के बारे में मैं चर्चा करूंगा इथोलॉजी क्या है इथोलॉजी के डेफिनेशंस क्या क्या है क्योंकि इसको एक कंक्रीट रूप में डिफाइन करना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है लेकिन सिंपली इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड एज इथोलॉजी यानी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है निको टिनबर्जन के अनुसार साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड इथोलॉजी तो निको टिन के अकॉर्डिंग किसी भी प्राणी का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है उसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है वो इथोलॉजी के नाम से जाना जाता है अब पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स हैं उनको दो प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एवरी एनिमल चैलेंजेस जिसमें एक तो होता है लोकल चैलेंज या स्थानीय चुनौती जो कि लोकल लेवल पे होती है उनके सराउंडिंग एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है और सेकंड जो है दैट इज ग्लोबल चैलेंज ये व्यापक स्तर पर होती है वैश्विक स्तर पर होती है तो कोई भी एनिमल हो उसको लाइफ में हमेशा दो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा एक तो लोकल चैलेंज और सेकंड इज ग्लोबल चैलेंज बिहेवियर ऑफ एन एनिमल इज हेल्पफुल इन फेसिंग दी चैलेंजेस एंड देर इज नो एनी रिस्क इन सर्वाइविलिटी ऑफ एन एनिमल और किसी भी प्राणी का बिहेवियर यदि किसी आदमी को पता है कि इस एनिमल का बिहेवियर कैसा है इसकी ब्रीडिंग बायोलॉजी कैसी है इसकी फीडिंग बिहेवियर कैसा है इसका रूस्टिंग बिहेवियर कैसा है तो उस बिहेवियर के बारे में यदि आइडिया हो तो उसके बारे में बाद में इस एनिमल की सर्वाइबिलिटी के जो पैरामीटर्स हैं, जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही इजीली रूप में परफॉर्म किए जा सकते हैं सो बिहेवियर ऑफ एन एनिमल इज हेल्पफुल चैलेंजेस

होम्योस्टैसिस की तुलना में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ज्यादा जटिल है इट इज रिलेटेड विद द स्टॉपेज ऑफ एनी अल्ट्रेशन इन द ऑप्टीमल स्टेज और ये प्रिवेंशन की जो परिघटना है संबंधित होती है मुख्यतया इट इज रिलेटेड विद स्टॉपेज ऑफ एनी अल्ट्रेशन इन ऑप्टिकल स्टेज और ऑप्टिकल स्टेज में कोई भी परिवर्तन होने जा रहा है कोई अल्ट्रेशन होने जा रहा है उसको ये रोकने से संबंधित होती है इसलिए बिहेवियर की जो परिकटना है ये मुख्यतः दो सिद्धांतों के ऊपर निर्भर करती है तो एंड uh, अब इसमें कुछ साइंटिस्ट और हैं जिसमें एक एक तो है और एक एडर अब इन्होंने बताया कि प्राणियों का जो बिहेवियर जो होता है ये नर्वस सिस्टम पे भी डिपेंड करता है एंडोकाइन सिस्टम पे भी डिपेंड करता है और इम्यून सिस्टम पे भी डिपेंड करता है और इन तीनों के कॉलोबरेशन से एक कलेक्टिव ब्रांच का इन्होंने प्रतिपादन किया और इस ब्रांच का नाम है न्यूरो इम्यूनो सिस्टम यानी कोई भी बिहेवियर नर्वस सिस्टम्स के द्वारा भी कंट्रोल होता हो हो है तो यहाँ पर स्माइथिस ने इस ब्रांच का नाम रखा साइको न्यूरो ने इस ब्रांच का नाम रखा साइको न्यूरो तो वर्तमान में इथोलॉजी के साथ साथ चूंकि साइकोलॉजी है वो भी एक इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है कई बार एनिमल का बिहेवियर लेबोरेटरी में किया जाता है चिड़ियाघरों में किया जाता है लेकिन नेचुरल हैबिटेट में जो बिहेवियर स्टडी होती है वो कैप्टिविटी में होने वाले बिहेवियर से टोटली totally डिफरेंट होती है तो इन्होंने ये दो ब्रांचेज का और सूत्रपात किया है स्माइथीज ने साइको न्यूरो एंडोकोलॉजी और एडर ने साइको न्यूरोमिनोलॉजी इसके अलावा कुछ और कॉन्क्रीट डेफिनेशन हैं इसमें फर्स्ट डेफिनेशन इज रिफ्लेक्शन ड्यू टू चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरमेंटल चेंजेस इज कॉल्ड एज बिहेवियर यानी प्राणी के बाहरी और आंतरिक वातावरण के कारण रिफ्लेक्शन के कारण जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों का सामूहिक अध्ययन बिहेवियर के नाम से जाना जाता है एनी विजुअल चेंजेस विच कैन बी सीन और ऑब्जर्व कैप्ट अंडर द बिहेवियर ऐसा कोई भी दृश्य परिवर्तन जो प्राणी के चेहरे के ऊपर प्राणी की बॉडी में आप जिसको देख सकते हो ऑब्जर्व कर सकते हो उसको बिहेवियर की कैटेगरी में शामिल किया जाता है द कलेक्टिव आउटपुट ऑफ पॉस्चर साउंड कलर एंड कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज बिहेवियर यानी किसी प्राणी की बॉडी का पॉस्चर बॉडी का गेस्चर उसके द्वारा उत्पन्न साउंड है उसके द्वारा बॉडी का जो कलर पैटर्न है इसके अलावा कम्युनिकेशन पैटर्न है इन सभी को सभी का जो सामूहिक रूप जो होता है वो बिहेवियर की श्रेणी में आता है एक्सटर्नल और एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड एज बिहेवियर बाहरी वातावरण और बाहरी उद्दीपन के कारण होने वाली जो अनुक्रिया है जो रेस्पॉन्स है वो बिहेवियर के नाम से जानी जाती है एंड बिहेवियर इज द कलेक्टिव आउटपुट ऑफ फिजियोलॉजी

जो कि बिहेवियर के रूप में प्रस्तावित की गई है इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी इसमें मैं बहुत ही ब्रीफ में जैसे चर्चा करूंगा और हिस्टोरिकल साइंटिस्ट है जो कि वास्तव में नेचुरलिस्ट है उनको इथोलॉजिस्ट भी अपन नहीं कह सकते लेकिन उनको भ्रमण करने का शौक था लंबी यात्राएं करने का शौक था और उन यात्राओं के दौरान जो उन्होंने अनुभव अपने डायरी में लिखे ये ही अनुभव इथोलॉजी के हिस्ट्री के एक पाइनियर वर्क के रूप में जाने जाते हैं और इनमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट है दैट इज चार्ल्स डार्विन और चार्ल्स डार्विन है ये दुनिया के सबसे पहले बिहेवियर साइंटिस्ट के रूप में माने जाते हैं और इन्होंने एक अपने जहाज से यात्रा की थी गैला पैगोस आइसलैंड की और इस जहाज का नाम था एच एम एस बीगल इस फिगर में आप देख रहे हो ये एच एम एस बीगल ये जहाज है इसी जहाज पे इन्होंने यात्रा करी और इन यात्रा के दौरान इनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इन्होंने नेचर में जो भी इन्होंने जो भी देखा जो भी अनुभव किया उन्होंने अपने इनको डायरी में रखा और इस वर्क को फिर उन्होंने पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया तो डार्विन के द्वारा प्रकाशित जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसमें द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स यानी आदमी और प्राणियों में इमोशंस की जो अभिव्यक्ति है उससे रिलेटेड ये बुक्स हैं सेकेंड एक इसकी फेमस बुक है डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स और तीसरी जो इसकी विश्व प्रसिद्ध जो बुक है दैट इज ऑरिजिन ऑफ या जाति का उत्पत्ति जाति का विकास तो ये एक पायनियर साइंटिस्ट के रूप में ही, ये माने जाते हैं चार्ल्स डार्विन लेकिन ये प्राकृतिक विक है यानी नेचुरलिस्ट ने 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 है इसके बाद और कुछ वैज्ञानिकों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इथोलॉजी के क्षेत्र में जिसमें जॉर्ज रोमानिस इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस पे काफी शोध कार्य किया है जैक लॉय इन्होंने ट्रॉपिज्म पे शोध कार्य किया है क्योंकि हर एनिमल्स के अंदर मोमेंट uh, होती है यह मोमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है तो लाइट के प्रति जो मोमेंट हो रही है वो फोटोट्रोपिज्म के नाम से जानी जाएगी केमिकल्स के कारण कोई मोवमेंट हो रही है वो कीमोट्रोपिज्म के नाम से जानी जाएगी नमी के कारण कोई मोवमेंट हो रही है वो हाइग्रोट्रोपिज्म के नाम से जानी जाती है ग्रेविटेशनल uh, फोर्स के कारण कोई मोमेंट है वो जियो के नाम से जानी जाती है तो ट्रॉपिज्म पे इन्होंने काफी बहुत जबरदस्त इन्होंने शोध कार्य किया uh, एक और है एक साइंटिस्ट हो रहे हर्बर्ट स्पेंसर इन्होंने जो लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं जो ज्यादातर ये देखा गया है कि साइंटिस्ट uh, जो है वो uh, पक्षियों के बिहेवियर पे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं स्तनधारियों के बिहेवियर पे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन लोअर कैटेगरी की जो एनिमल्स हैं जो कि मान लीजिए फाइलम प्रोटोजोवा के सपोज अमीबा है ये भी बिहेवियर भी प्रदर्शित करता है पैरामीशियम भी बिहेवियर भी भी प्रदर्शित करता है है वो भी बिहेवियर भी भी प्रदर्शित करते हैं तो लोअर क्लासिफिकेशन में जो लोअर फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनकी बिहेवियर स्टडी हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी डगलस डगलिंग इन्होंने चिक के बिहेवियर पे बहुत ही शानदार शोध कार्य किया है चिक यानी जो छोटे चूजे जो होते हैं मुर्गी के जो छोटे बच्चे हैं चूजे हैं चूजों का जो बिहेवियर होता है उसमें इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क किया है हा एक साइंटिस्ट हो रहे ऑस्कर है, हैनरोथ, इन्होंने एनए फैमिली के जो पक्षी है इनके बिहेवियर पे इन्होंने काफी शोध कार्य किया है एंड ही स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाटरफॉल्स तो जलीय जो पक्षी होते हैं वाटरफॉल होते हैं इन्होंने काफी जबरदस्त वर्क किया है इन्होंने कॉर्नेल इनको फादर ऑफ इथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है

कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें भी लिखी इन पुस्तकों में टाइटल है तो किंग सोलम एक इनकी फेमस बुक है मैन मीट डॉग और एक इसकी बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ऑन एक्रेशन तो तीन महत्वपूर्ण पुस्तकों का इन्होंने लेखन कार्य किया है और सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका है दैट इज इम्प्रिंटिंग इम्प्रिंटिंग में क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो इस ऑब्जेक्ट को देखता है उसी ऑब्जेक्ट को वो अपने पेरेंट के रूप में ट्रीट करता है तो कई बार तो ये भी देखा गया कि मुर्गी के अंडों से जैसे चूजे निकले और उन चूजों के आगे कोई मोवेबल खिलौना कोई चाबी वाला खिलौना जैसे रख दिया वो चाबी वाला खिलौना जिधर जिधर चलता है उसके पीछे पीछे ये मुर्गी के चूजे होते हैं वो भी उसकी तरफ मूवमेंट करते हैं क्योंकि इन्होंने इस मोवेबल खिलौने को ही अपने पेरेंट्स के रूप में आइडेंटिफाई कर दिया तो ये घटना इम के नाम से जानी जाती है क्योंकि हर एनिमल का एक सेंसिटिव पीरियड होता है और उस सेंसिटिव पीरियड में जो सबसे ज्यादा उनके पास जो रहता है उसी से उसका लगाव हो जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है इसमें कार्ल वन फ्रिश इन्होंने इनको फादर ऑफ हनी भी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है और मधुमक्खी में जो संचार का जो तरीका होता है वो दो प्रकार के डांस के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है जिसमें एक तो है वेगल डांस वेगल डांस और एक होता है राउंड डांस वेगल डांस में क्या होगा मधुमक्खी जो होती है वो अपने एब्डोमेन को वाइब्रेट करती है और राउंड डांस जो होता है ये इसमें मधुमक्खी एक सर्कल के रूप में एक वृत्त के रूप में ये डांस परफॉर्म करती है और इन डांस के द्वारा ये आ, काफी महत्वपूर्ण सूचनाएं अपने सदस्यों को कम्युनिकेट कर देती है है जिसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है कि जैसे फ्लावर के गार्डन है किस डायरेक्शंस में है फ्लावर के गार्डन कितने डिस्टेंस पे है वहाँ फ्लावर के गार्डन में फूलों की मात्राएं कितनी है यानी गार्डन कितना बड़ा है उसमें कितने फूल लगे हुए हैं तो नेक्टार कलेक्शन से पहले इस तरह की सूचनाएं जो होती है वो मधुमक्खियाँ दूसरे सदस्यों को प्रेषित कर देती है और इसको बी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है और इस शोध कार्य के लिए कॉलमन फिश नोवल पुरस्कार के द्वारा भी सम्मानित किया गया एक अन्य साइंटिस्ट है निकोटीन ही प्रपोज दैट साइन फॉर बिहेवियर इन्होंने पाया क्या कि uh, किसी भी तरह का कोई चिन्ह हो सकता है कोई प्रतीक हो सकता है कोई सिंबल हो सकता है uh, वो इंस्टिकटिव बिहेवियर में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तो इन्होंने कई बार देखा कि जो स्पॉटविल जो डक होती है इनकी चोंच पे जैसे एक चिन्ह होता है येलो कलर का अब इस ये स्पॉट मिल इस चिन्ह को देखकर इनके जो बच्चे होते हैं वो भोजन की डिमांड करते हैं क्योंकि चिन्ह है वो उनके एक एक तरह से सिंबल हो गया एक तरह से साइन हो गया एक तरह से संकेत हो गया और इसी येलो कलर की चोंच को देखकर इनके चूजे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से भोजन की डिमांड करते हैं और इन्होंने भी तीन महत्वपूर्ण तो लेखकों का संपादित किया है जिसमें एक तो है सोशल बिहेवियर एंड एनिमल्स काफी वर्ल्ड फेमस बुक है द एनिमल एंड इट्स वर्ल्ड और तीसरी एक जनरल बुक है एनिमल बिहेवियर ये किताबें हमारी लाइब्रेरी पढ़ी है और काफी हिस्टोरिक बुक है हालांकि अब हाँ इथोलॉजी में तो बहुत जबरदस्त चेंजिंग आ गई है काफी डेप्थ में रिसर्च होने लग गई है लेकिन फिर भी ये एक पायनियर साइंटिस्ट है और इनका ऑथेंटिक वर्क है रियल वर्क है उस रियल वर्क को इन पुस्तकों के अंदर कंपाइल किया है अब चूंकि वर्तमान में इथोलॉजी की स्टडी कैप्टिविटी में भी की जाती है लेबोरेटरी में भी की जाती है और इस तरह का जो अध्ययन होता है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि साइकोलॉजी और इथोलॉजी में क्या डिफरेंसेज है तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंसेज है वो मैं यहाँ से आपसे शेयर करने जा रहा हूँ इसमें साइकोलॉजी और इथोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस है साइकोलॉजी है ये कैप्टिविटी में स्टडी होती है जबकि इथोलॉजी का अध्ययन है ये प्राकृतिक आवास में होता है नेचुरल हैबिटेट में होता है साइकोलॉजी के स्टडी के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है लेकिन इथोलॉजी के स्टडी के इंस्ट्रूमेंट अच्छा की आवश्यकता नहीं है इन साइकोलॉजी तो कई बार साइकोलॉजी के अध्ययन के लिए प्राणी को मारा भी जाता है उसमें इलेक्ट्रिकल करंट है वो भी लगाए जाते हैं बिहेवियर की स्टडी के लिए लेकिन इथोलॉजी में कोई एनिमल क्रुएटी की आवश्यकता नहीं है साइकोलॉजी में ओनली लिमिटेड टाइप ऑफ एनिमल्स फॉर द स्टडी इसमें केवल को संख्या में जो प्राणी है उन्हीं को यूज किया जाता है इसमें जैसे चूहे हो सकते हैं गिनी पिक हो सकते हैं रेबिट हो सकता है रिससमकी हो सकता है लेकिन प्राकृतिक हैबिटेट में जो बिहेवियर स्टडी है वो सभी एनिमल्स के साथ संपादित की जा सकती है जिसमें फाइलम प्रोटोजो से लेकर एनिमल्स तक जितनी एनिमल्स है आ, सभी का बिहेवियर नेचुरल हैबिटेट में किया जा सकता है साइकोलॉजी जो है ये लर्निंग और मेमोरी का अध्ययन इसके अंदर पॉसिबल नहीं है लेकिन नीथोलॉजी में अदर प्रिंसिपल्स जो है आ, उनका यूज किया जाता है एंड साइकोलॉजी इट इज मोर कंसर्न विथ न्यूरोफिजियोलॉजी साइकोलॉजी है ये एनिमल की नर्वस सिस्टम और उसकी बॉडी की जो कार्य प्रणाली है फिजियोलॉजी है उसके साथ ज्यादा संबंधित है जबकि इथोलॉजी जो है ये प्राणी के प्राकृतिक आवास के साथ संबंधित है यानी इट इज मोर रिलेटेड विथ इकोलॉजी तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं साइकोलॉजी और इथोलॉजी के अंदर और लास्ट में इथोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है दिस ब्रांच इज सिग्निफिकेंट इन द एरिया ऑफ मेडिकल साइंस सोशोलॉजी एंड एग्रीकल्चर साइंस तो आजकल मेडिकल साइंस में इथोलॉजी का बहुत जबरदस्त इंटर लिंकेज है इसमें सोशोलॉजी में इसका बहुत संबंध है एग्रीकल्चर साइंस में भी इसका बहुत संबंध है क्योंकि एग्रीकल्चर में फसलों के ऊपर जैसे ही लार्वा और डेवलप हो जाते हैं लेकिन कई बर्ड्स ऐसे हैं जो इन लार्वा, और को एज ए फीडिंग मेटेरियल काम में लेते हैं तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एवियन ऑर्निथोलॉजी में इनका बहुत बड़ा यूज है और इसके अलावा एपिकल्चर्स में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है ना पालन में शेरीकल्चर जिसमें रेशम कीट का पालन है इसमें इथोलॉजी का बहुत बड़ा यूज है लाख कल्चर में इसका बहुत बड़ा यूज है इसके अलावा मोती निर्माण पर्ल कल्चर जो होता है पिंक टेडा तो पिंक टेडा से मोती कैसे बनाते हैं उनके अंदर भी बिहेवियर स्टडी है उसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है तो कुल मिला के इथोलॉजी जो है ये विज्ञान की कई शाखाओं के अंदर हेल्पफुल uh, है काफी है। लेकिन Ithology के अध्ययन में कई तरह समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है जिसमें मुख्य समस्या कौन सी है टू अप्रोच हैबिटेट इज ए टिपिकल टास्क तो कई बार ऐसा हैबिटेट होता है जहां तक uh, आदमी का पहुंचना बहुत मुश्किल है वहां जाके उन एनिमल्स का बिहेवियर स्टडी करना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है तो अप्रॉस प्रॉब्लम ये एक सबसे बड़ी समस्या है इसमें इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने के लिए कई बार पूरा पूरा दिन है वो ख़राब हो जाता है कई बार एक एक महीने तक वेट करना पड़ता है कब वो बिहेवियर प्रदर्शित हो कब उसका आप ऑब्जर्व करो और उस समय अखबार से हो सकता है बाइडकुलर नहीं हो कैमरे नहीं हों और उन आप सीन को आप कैप्चर नहीं कर पाओ क्योंकि आजकल जो भी वर्क है उसमें एविडेंस भी चाहिए है आप, आपने लिखा कुछ और लेकिन उसका फोटोग्राफी एविडेंस है वीडियो का भी एविडेंस है तो वो फिर एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के रूप में आ, उसको कोट किया जाता है हाउ द कलर ऑफ रोज पेटल्स अपियर पिंकिश है कि गुलाब के जो पत्ते हैं इनका गुलाबी रंग कैसे बनता है ये भी एक बिहेवियर स्टडी है इथोलॉजिस्ट नॉट ऑब्जर्व द फिजियोलॉजिकल चेंजेज अकरिंग इन दैट एनिमल कोई प्राणी बिहेवियर प्रदर्शित कर रहा है और उस बिहेवियर के एक्सप्रेशन के दौरान उसके बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजिंग आ रही है इसको अपन ऑब्जर्व नहीं कर सकते इसके लिए तो फिर ब्लड का एनालिसिस करना पड़ेगा और एनालाइजर मशीनों के द्वारा हार्मोन लेवल जो होता है वो इसमें डिटेक्ट हो जाता है एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज डिफरेंट कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो अलग अलग होता है स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर इज वेरी टिपिकल सामाजिक व्यवहार है इसका अध्ययन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है एंड स्टडी ऑफ ऑल फोन ऑफ एनिमल किंगडम इज हार्ड वर्क और एनिमल किंगडम के सभी प्राणियों की बिहेवियर की स्टडी ये भी एक बहुत टेडी खीर है टेढ़ा काम है और लास्ट में कई ब्रांचेज हैं जो इथोलॉजी के साथ रिलेटेड है क्योंकि इथोलॉजी एक सिंगल ब्रांच नहीं है विज्ञान की आजकल हर शाखों के साथ इसका कोई कोई इंटरलिंक है इंटर रिलेशन है तो इसमें जैसे इको इथोलॉजी यानी इकोलॉजी प्लस इथोलॉजी इकोलॉजी तो और इथोलॉजी का तो दामन का ये न्यूरोइथोलॉजी इसमें नर्वस सिस्टम और बिहेवियर की स्टडी का लिंकेज है इथो एंडोकाइनोलॉजी इसके अंदर प्राणी का बिहेवियर और एंडोकाइन हॉर्मोन्स का स्टेटस इसका लिंकेज है इथोफिजियोलॉजी बिहेवियर और प्राणी के कार्य की का लिंकेज है इथोजेनेटिक्स क्यों आजकल ये भी क्लियर कट एविडेंस सामने है कि कुछ व्यवहार ऐसे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोपिगेट होते हैं यानी एक तरह से वो हैडिटरी बिहेवियर है जैसे कुत्तों को जनरली देखा होगा कुत्ते जैसे टांग उठा के यूरिन करते हैं कुत्तों को ये किसी ने सिखाया नहीं कि यूरिनेशन के समय टांग उठा के पेशाब करना है लेकिन ये बिहेवियर इनका अनुवंशिक है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला ही जा रहा है बिहेवियर बिहेवियर इसमें भी एक तरह का एवोल्यूशन है क्योंकि आदि मानव थे वो जंगलों में रहते थे उसके बाद में वो एग्रीकल्चर करने लगे लेडीज को वहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाने लगा तो आदि मानव जो थे और वर्तमान मानव है तब से अब तक देखें तो लाखों वर्षों के समय में एवोल्यूशन के अंदर भी इसमें बिहेवियर स्टडी में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंजिंग आई है तो एक तरह से इसमें भी एक जात एक तरह से उद्विकास है बिहेवियर में भी एक तरह का एवोल्यूशन है इस बात को अपन यूँ कर सकते हैं ह्यूमन इथोलॉजी इसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सोशो बायोलॉजी इसमें सोशल बिहेवियर की स्टडी होती है बायोएकास्टिक इसमें विशेष रूप से ध्वनि से संबंधित जो uh, संचार प्रणाली है उसका अध्ययन किया जाता है एंड बायोलॉजिकल रिदम्स ये एक तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक है एक तरह की जैविक घड़ी है और दैनिक आवर्तता पाई जाती है पीरियोडिक रिदम पाई जाती है मंथली क्लॉक पाई जाती है चांद की जो रिदम है लोनार है उसके साथ भी प्राणियों का बिहेवियर है वो कोरिलेट होता है तो ये कुछ ब्रांचेज है जो इथोलॉजी के साथ लिख रखती है क्योंकि इथोलॉजी में केवल बिहेवियर स्टडी नहीं है बिहेवियर के साथ विज्ञान की और शाखाएं हैं आजकल उनका भी इसके साथ कोरिलेट करते हुए अध्ययन किया जाता है तो ये मेन मेन ब्रांचेज हैं जो इथोलॉजी uh, के साथ ये संबंध रखती है और ये एक जस्ट एक सिंपल इंट्रोडक्टरी कंपाइलेशन है और इनके जो डिटेल चैप्टर है वो मैं आपसे लगातार मैं शेयर करता रहूँगा और इसी के साथ एक बार हमारे महाविद्यालय की तरफ से हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू हैव ए गुड डे Thank you very much.